क्या ईशा के बाद सजदा और सूर्य तबारक लजी पढ़ना साबित है तो देखिए इस बारे में एक हदीस है सोन तिरमिजी की हदीस तीन हजार चार सौ चार शेख हल्वानी रह ने इसको सही करार दिया है जाबिर की हदीस है वो कहते हैं कि या बे की का नबीलम ला ये तंजील अजदा और बेतबारक अल्लाह के नबी नबीसलम नहीं सोते थे यहाँ तक कि आप सूर्य सजदा पढ़ लेते थे और तबारक लजी पढ़ लेते थे तो शेख अलवानी वगैरह ने इसको सही करार दिया है तो इस हदीस में बाकायदा यह जिक्र है कि सलम सोने से पहले सूर्य सज्दा और सूर्य तबारक पढ़ते थे इसलिए अगर कोई सोने से पहले इन दो सूरतों को पढ़ता है तो ये जायज़ है दुरुस्त है इसमें कोई हरज की बात नहीं है उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें आई प्लस टीवी को जरूर डोनेट करें